बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इजी एंड क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू भरे पराठे, जो सबके ही फेवरेट होते हैं, सबको बहुत पसंद होते हैं। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी आलू लिए हैं, अब इसको हाथों से मैश कर लेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज ली थी मैंने, इसको चॉप्ड कर लिया। ये ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून हरा धनिया ले लेंगे। 4 बड़ी हरी मिर्ची ली थी, इसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लेंगे, उसको इस तरह से कूट लेंगे। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आप इनको मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आटा पहले से गूंद लिया था, अब पेड़े बनाएंगे। एक पेड़ा बना के रख देंगे, दूसरा पेड़ा बनाएंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको बेलेंगे थोड़ा सा, इसको रख देंगे। इसी तरह दूसरा कर लेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। अब इसके ऊपर हम आलू की फिलिंग रखेंगे जो हमने बनाई है। इसको सेट कर लेंगे हाथ से। अब दूसरा पीस उठाएंगे जो हमने बेल के रखा था, इसको इस तरह से साइड से प्रेस करेंगे। अब बेलन से हम इसको बेल लेंगे। पराठा हमारा बेल चुका है, बहुत ही अच्छा बेला है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। पहले ऑयल नहीं लगाएंगे, पहले ऐसे ही करेंगे। 2 सेकंड बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। साइड्स पे थोड़ा थोड़ा, साइडों पे थोड़ा थोड़ा करके घी लगा लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। दोनों साइड से हम पराठे को फ्राई कर लेंगे। पराठा हमारे दोनों साइड से हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे। बहुत ही मजेदार आलू भरे पराठे तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने आलू का भरता, अचार और चटनी रखी है, जिससे इसका मज़ा दोबारा हो जाता है। आप भी इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।